एवरीवन, आज हम लोग जूना सुनने वाले हैं। जूना, आई डोंट नो व्हाट जूना इज, डजंट मेक सेंस। मुझे उर्दू आती है, पंजाबी आती है, जूना कुछ भी नहीं होता, पश्तो में भी जूना नहीं होता। बट लेट्स सी, आई एम एक्साइटेड। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स दैट हसन रहीम एवर सैंग फीचरिंग अब्दुल्ला कसूमी। हम जूना सुनने वाले हैं, आई एम एक्साइटेड, यू कैन सी दैट। एंड या लेट्स सी, आई डोंट नो, ये कोई एक दो साल पुराना गाना है और हसन रहीम जब बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहा था अपना करियर, उसने तब ये गाया था और ये बड़ा फेमस हुआ था बिकॉज आई रिमेंबर वॉचिंग गर्ल्स ग्रूविंग ऑन दैट जूना। सी, आई नो द ट्यून, मैंने सुना हुआ है, मगर बहुत दूर दूर से सुना हुआ है, कहीं किसी लोगों ने लगाया हो, मगर मैंने खुद कभी, आई नेवर वॉच द वीडियो, आई नेवर ट्यून इन टू इट। आज हम लोग सुनते हैं और देखते हैं What Hasan Rahim is worth. Let's do it. Yeah. Let's go. Okay. Very domestic video. Hasan Rahim entering into a mart. Shopping. मुझे कभी वीडियो नहीं बनाने देते ये लोग किसी भी मार्ट में। सबसे पहले हम लोग जूना का मतलब देखेंगे। I still didn't get it. I don't know what Juna is. Let me search. Juna is a Hebrew word, and in Hebrew it means dove, which is not kabutar. Kabutar is pigeon. Dove is maina or bulbul. I don't know. Dove is a parinda, white color का परिंदा, वो या मैना है या बुलबुल है, I don't know. मुझे नहीं पता, मैंने परिंदों को गौर से नहीं देखा, ना ही मेरा कभी जू था। एक और वेबसाइट पे लिखा है कि शीना लैंग्वेज है इसकी हसन रहीम की, जिसमें थोड़े से वर्सेस भी हमें सुनाई दिए। कहीं पे वो कुछ और ही रैप टाइप चीज़ कर रहा था, वो उसकी अपनी लैंग्वेज में। और जूना का मतलब होता है जिस तरह हम लोग प्यार से किसी को बुलाते हैं ना, जान, तो शीना लैंग्वेज में इट्स लाइक लिसन टू मी जान, स्वीट हार्ट, हनी, बेबी। किसी भी बिलवेट को प्यार से बुलाना, प्लेफुल फ्लटेशियस तरीके से बुलाने को जूना कहते हैं। आप जूना करके बुलाते हैं कि जूना लिसन टू मी, स्वीट वर्ड, अमेजिंग। मैं वीडियो से स्टार्ट करूंगी क्योंकि मुझे वीडियो देख के बहुत मज़ा आया। इट इज़ सच ए लो बजट वीडियो। देखो, बहुत सारे लोग गाना गाना चाहते हैं, गाना गा सकते हैं और वो परसू करना चाहते हैं, और उनके पास हमेशा ये एक्सक्यूज़ होता है कि वीडियो मेकिंग टेक्स अलॉट ऑफ मनी, अलॉट ऑफ एफर्ट, उसमें आपको ये कैमरा चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है। बट दिस गाय जस्ट पुल्ड इट ऑफ इन अ स्टोर। इसी तरह ऐसे कैसे कि अगर तुम वीडियो देखोगे तो वो इनिशियली बस स्ट्रीट पे खड़ा है, एंड ही इज डांसिंग, एंड ही इज ग्रूविंग, एंड ही इज हैविंग फन। तो उनकी वीडियो बहुत ही ईजी गोइंग है, बहुत ही आराम से बस वो जाके वीडियो बना लेता है, बिल्कुल स्ट्रेस आउट नहीं करता कि वीडियो कैसे बनेगी, पैसा लगाना चाहिए, इट डजेंट बॉदर। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, लड़का बहुत ही फोकस्ड है कि भाई गाना डाल दो।
मामला थोड़ा गरम है, चले उसका भरम ये, I'm coming back home tonight. My Juna, couldn't help myself when I'm in Juna. Yeah, yeah. इसके साथ साथ एक और अच्छी बात यह है कि हसन रहीम इज़ नॉट लाइक समवन जिसकी बहुत रेंज हो, बहुत ही सिंगिंग क्वालिटी बहुत अच्छी हो. हिज़ ड्रेक ऑफ पाकिस्तान. ड्रेक इसलिए मशहूर है क्योंकि उसकी लिरिक्स का कोई पॉइंट नहीं होता और वो बस जस्ट जाके गा देता है, कुछ भी बोल देता है कि भाई गॉड डेड और समथिंग. अगर तुमने ड्रेक के गाने सुने तो इसी तरह हसन रहीम कुछ भी बोल, कुछ भी तरह से गाना गा देता है, उसकी ज्यादा सेंस बनने की जरूरत नहीं होती. और कितना प्यार से मैं कहूँ ना, मैं चुना, करने पासे हुए ना मैं चुना, ये 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 मैं चुना, और कितना प्यार से मैं कहूँ ना. अगर ये लड़का मशहूर इसलिए बिकॉज वाइब गानों की बहुत अच्छी होती है, फीलिंग बहुत अच्छी होती है गाने की, सुनने में बहुत मज़ा आता है, ईजी ऑन ईयर्स हैं, ईजी ऑन सोल हैं, बहुत थाटफुल नहीं है, आप अंदर चले जाओ. जो गाने हैं वो दे रिप्रेजेंट लाइफ इन जनरल. जब आप बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग में नहीं होते हैं, आप सैड नहीं होते, आप एंग्री नहीं होते, तो जो आपका एक स्टेट होता है, जस्ट वॉट इज़ द स्टेट ऑफ लाइफ नॉर्मली, तो वो गाने वो रिप्रेजेंट करते हैं. कॉमन थिंग्स, कॉमन लाइफ, जाके शॉपिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, हाँ तुम पसंद हो मुझे, किस तरह से, मतलब दिस इज़ लाइक वेरी गुड वाइब, गुड डे. जिस तरह बहुत ज़्यादा सर्दियों में धूप में आप बैठ के पीनट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, तो वो जो एक फीलिंग है ना उसमें, वो वाली एक वाइब है हसन रहीम के गानों की, उसकी लिरिक्स की, बहुत ही प्लेफुल किस्म के गाने. लिरिक्स इज लाइक तुमसे मैं कैसे कहूँ ना, वो अपनी कोई लड़की है जिनको पसंद करते हैं, उनके बारे में गाना गा रहे हैं, और या इट इज गुड, इट इज लाइक इट्स फाइन, इट इज सम पीपल्स टेस्ट. और एक जेनेरिक किस्म का गाना है जो कि मोस्टली लोग सुनना चाहेंगे, उसमें वो बात है. जिस तरह मुझे शमून इस्माइल के गाने बहुत पसंद हैं, पाकिस्तान में वो इतना मशहूर नहीं है, इंडिया के लोग सुनते हैं क्योंकि मैं क्रिएटर्स को फॉलो कर रही हूँ, तो उन लोगों ने गाड़ी में लगाया होता है, मैं बड़ा हैरान होती हूँ. इसी तरह हसन रहीम के गाने इंडिया में भी सुने जाते हैं क्योंकि लोग पसंद करते हैं, जो रेगुलर नॉर्मल ऑर्डिनरी वाइब का गाना है वो लोग पसंद करते हैं, कि गाड़ी में जा रहे हैं, कुछ इंटेंस नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए, हम लोग बस रिलैक्स कर रहे हैं, इंजॉइंग द लाइफ, अप्रिशिएटिंग द लाइफ. तो लेट्स ट्यून इन टू शमून इस्माइल और हसन. मेरी मेमोरी कम्स इन टू प्ले, हसन रहीम का गाना, या final words, I like the video, I like the feel of it, I like the song, it was worth listening to. Or yeah, that is it from my side. I'll see you guys in the next one. Achha khao, achha piyo, achhe gaane suno. Spread love and peace, spread good energies. Or yeah, subscribe the channel and follow me on Instagram. I'll see you guys in the next one, bye.